हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, आज का एक खास वीडियो राजस्थान सामान्य ज्ञान की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान के संत और प्रमुख संप्रदाय। और दोस्तों, इस टॉपिक में से राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, और कई प्रतियोगी परीक्षा में तो दो दो तीन तीन प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के संत और संप्रदाय से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक के परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अब तक के सारे प्रश्न शामिल हैं। 2018 तक के जो जो 2019 में जो भर्ती हुई थी वहाँ तक के सारे प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसकी PDF भी आपको मिलेगी। तो ये हम इस वीडियो में आपको बता दें कितने प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो लगभग इसमें हम 70 प्रश्न, यानी कि 70 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और पहला प्रश्न RS Pre 2018 में पूछा गया आपके सामने प्रश्न है, और प्रश्न है, नारी संत दयाबाई किसकी शिष्य थी? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर इसके सामने दे रखा है, साथ में संत चरणदास जी के जो ये शिष्या थी दयाबाई, और ये RS Pre 2018 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतियासर से संबंधित हैं? तो दोस्तों, जो जसनाथी संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक सिद्ध जसनाथ जी हैं, उनका संबंध बीकानेर के कतियासर से हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न संगणक 2018 और RPSC जो सेकंड ग्रेड है 2018 उसमें पूछा था प्रश्न। तो दोस्तों, कतियासर बीकानेर से जो संत है वो सिद्ध जसनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न है आपके सामने जो LDC 2018 का प्रश्न है, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? तो दोस्तों, ये जो संत थे उन संत का नाम है संत हमीदुद्दीन। तो ये जो संत ये काफ़ी प्रसिद्ध संत हैं। तो शेख हमीदुद्दीन हैं, इन्होंने नागौर में जो एक गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, तो चौथा प्रश्न, सत्यभामानु रुश्नो इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, जो दादू दयाल जी हैं इनके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी, और ये भी उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्र कौन से हैं? तो इनमें जो केंद्र हैं ऑप्शन के अनुसार नाथद्वारा और करौली जो ऑप्शन में है, ये दोनों पुष्टि मार्ग यानी कि वैष्णव संप्रदाय का जो पुष्टि मार्ग है उससे संबंधित केंद्र हैं। अगला प्रश्न काफ़ी फेमस प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 6 है, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर इसका रामचरण जी, जो कि राम स्नेही संप्रदाय की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शाखा है, काफ़ी प्रसिद्ध है ये शाहपुरा भीलवाड़ा में। इसके जो संस्थापक थे वो संस्थापक थे रामचरण जी, और इनका जन्म जो टोंक के सोड़ा गांव में हुआ था, और इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना भीलवाड़ा का जो शाहपुरा कस्बा है वहाँ पे की थी। और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है अर्ण भवानी, जो RS Pre 2009 में पूछा था यह ग्रंथ। और अब हम देख लेते हैं निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्बार्क संप्रदाय थे, ये LDC 2018 का प्रश्न है, ग्रुप ए में पूछा था प्रश्न। तो अजमेर का जो रूपनगढ़ में है सलेमाबाद, रूपनगढ़ नदी के किनारे ये सलेमाबाद है, और उसी सलेमाबाद में ये निम्बार्क संप्रदाय की है जो प्रसिद्ध पीठ है, और यहाँ पे राधा को जो भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है। आठवां प्रश्न है, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो जो जोधपुर का जो महामंदिर है वो नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थान है, और यहाँ है जो इस नाथ संप्रदाय की
जो स्थापना है वो नाथ मुनि मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, और जोधपुर में जो महाराजा हुए मानसिंह, उन्होंने नाथ संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था, और उन्होंने इस संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जो जोधपुर में है उसकी स्थापना करवाई थी। इसकी दूसरी जो पीठ है इस नाथ संप्रदाय की वो राणा डूंगा है, जो कि अजमेर ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 29 जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, 29 सिद्धांत हैं जो जाम्बोजी के द्वारा दिए गए थे, उन्हीं के लिए ये मुकाम प्रसिद्ध है। विष्णु संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण मुकाम यानी कि स्थान है, जहाँ पे गुरु जम्बेश्वर का मेला लगता है, उनका जन्म स्थान यहाँ पे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है सम्मिलित करने वाले, आपको हर प्रश्न सम्मिलित करने वाले इसमें पहले से ही सम्मिलित करके रखे गए हैं, तो आप कृपया ध्यान रखें इसका। सिंहतल जो संत हरिदास जी से संबंधित है, ये रामसनी संप्रदाय की प्रमुख शाखा हैं, और इनकी स्थापना किनके द्वारा की गई, प्रवर्तक का नाम सामने दिया गया है। रैण संत दरियाव जी के द्वारा स्थापित है, खेड़ापा संत रामदास जी, और शाहपुरा बिलवाड़ा जिसकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, ये शाहपुरा बिलवाड़ा में संत रामचरण दास जी के द्वारा स्थापित है, और काफ़ी प्रसिद्ध पीठ है ये। दोस्तों आपसे प्रश्न ये कि जो शाहपुरा बिलवाड़ा है रामसनी संप्रदाय के हैं, वहाँ के जो संत होते हैं वो किस रंग के ड्रेस पहनते हैं, किस रंग के कपड़े पहनते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर लिखें। रामसनी संप्रदाय के जो संत होते हैं उनकी ड्रेस का रंग कैसा होता है, पोशाक का रंग उनका कैसा होता है। अगला प्रश्न है, संत पीपा का जन्म स्थान कौन सा है? तो संत पीपा का जो जन्म स्थान है वो गागरौन है, और संत पीपा जो दर्जी समुदाय के आराध्य हैं उनके जो जन्म स्थान का नाम है गागरौन झालावाड़ में, और संत पीपा का जन्म झालावाड़ में ही जो कड़ावा खींच राव खींची है उनके यहाँ पे जो हुआ था, और पीपा जी के आग्रह पे ही जो कबीर जी रामानंद जी रैदास जी आदि संतों ने राजस्थान की यात्रा की थी, और संत पीपा को राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाला प्रथम संत माना जाता है, यह आप यहाँ से देख सकते हैं, और इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख साधन भक्ति को माना है, इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख साधन भक्ति को माना है, और दर्जी समुदाय इनको अपने आराध्य देव मानते हैं, और टोंक का जो टोडा ग्राम है वहाँ पे संत पीपा जी की गुफा भी बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां नंबर का प्रश्न है ये, राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं? तो काफ़ी प्रसिद्ध संत हैं, दादू दयाल जी के जो संत शिष्य हैं वो 52 संत शिष्यों के नाम से या 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये 52 का क्या संबंध है दादू दयाल जी से, आइए देख लेते हैं। दादू दयाल जी के 152 प्रधान शिष्य हुए हैं, 152 टोटल इनके प्रधान शिष्य हुए, जिनमें 100 तो एकांतवासी थे, परंतु जो 52 शिष्य हैं उन्होंने स्थान स्थान पर जाके दादू द्वारों की स्थापना की, और इन्हीं 52 शिष्यों को दादू के 52 स्तंभ कहा जाता है, और दादू दयाल की जो प्रथम प्रधान पीठ है उनके ये है जो जयपुर के नरेना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबू जी का किसका अवतार माना जाता है? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा था प्रश्न, जिसका एग्जाम मैंने भी दिया था, और इसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था, बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, बाबू जी को प्लेग रक्षक देवता या ऊँटों का देवता भी कहते हैं, और राय का या रेबारी जाति के आराध्य देव हैं, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, और राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय लोक देवता बाबू जी को ही जाता है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ बाबू जी महाराज की हैं, तो काफ़ी प्रसिद्ध लोक देवता हैं बाबू जी भी, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दोस्तों ये अभी 2017 का क्वेश्चन है, माधवदास जी का जो संबंध है वो दादू पंथ से संबंधित है, और कुल 152 इनके शिष्य थे दादू दयाल जी के, इनमें 52 जो सदस्य थे जिनकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ऊपर, वो 52 सदस्य स्थान स्थान पर घूम के दादू दयारों की द्वारों की स्थापना की थी,
और इन्हीं 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा गया है। प्रमुख जिनके जो शिष्य थे वो सुंदरदास जी हैं, रज्जब जी हैं, बखाना जी हैं, संतदास जी हैं, जगन्नाथ दास जी हैं, जगगोपाल जी हैं, माधोदास जी हैं, बिखन जी हैं, गरीबदास जी हैं आदि इनके दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य थे। और दोस्तों रज्जब जी तो हैं वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न 15वां है, जो कि सेकंड ग्रेड 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है, संत मावजी का संबंध कहाँ से है? तो संत मावजी का संबंध डूंगरपुर जिले से है। और बैणेश्वर धाम का मेला लगता है, नवा टापरा गांव है, यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही, जाखम। और यहीं पे जो संत मावजी महाराज का मंदिर भी बना हुआ है, आश्रम वहाँ पर है। अगला प्रश्न है, काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? ये पुस्तकालय अध्यक्ष 2016 का प्रश्न, आप देख सकते हैं कितने। और ये आरएसएस भी बोर्ड है, इनके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जिसका वर्तमान नाम, उनके द्वारा ये प्रश्न पूछे गए थे। काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर कई पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, तो इस तरह के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल श्री राम क्लासेस ज्वाइन कर ले, आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और संत हमीदुद्दीन जो नागौरी हैं उनको सबसे पहले नागौर में काजी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो थोड़ी देर पहले हमने इनकी चर्चा की थी, जो मुकाम है वो विश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। तो ये जो विश्नोई संप्रदाय है ये जाम्बोजी इनके संस्थापक हैं। और दोस्तों इन्होंने 29 नियम दिए थे, काफ़ी पर्यावरण प्रेमी थे ये, और पशुओं इनकी वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक विशेष संप्रदाय समुदाय जाना जाता है, विश्नोई समुदाय। तो काफ़ी गौरव की बात है, राजस्थान में ऐसे भी एक समुदाय है जो पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए रक्षा के लिए जाना जाता है, और वो है विश्नोई संप्रदाय। कई बार प्रश्न इनसे पूछा गए हैं, खेजरली की जो घटना है वो आपने देखी होगी, किताबों में पढ़ी होगी। तो संत जाम्बोजी का जन्म जो नागौर के पिपासर गांव में हुआ था, और जाम्बोजी का श्रेष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक माने जाते हैं, और जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है, और इन्होंने 29 नियमों का पालन करने वाली एक संस्था बनाई थी, एक संप्रदाय बनाया था जिसका नाम है विष्णुई संप्रदाय। और इनका समाधि स्थल है जो मुकाम नोखा बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? तो ये पटवारी 2016 का प्रश्न है, और ये भी एग्जाम मैंने दिया था, पटवारी 2016 वाला, इसमें ये प्रश्न आया था। तो ये बिलों से संबंधित है उंदरिया पंथ, और मेवाड़ में जो उंदरिया गांव के जो बिल होते थे वो मेवाड़ महाराणा का तिलक करते थे, और यह प्रथा राजसिंह द्वितीय तक चलती रही, और फिर राजसिंह द्वितीय मेवाड़ के महाराणा बने, उनके बाद में यह प्रथा बंद कर दी गई थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, उंदरिया पंथ किस में प्रचलित था? तो ये बिलों में प्रचलित था। नेक्स्ट है, मंत्र राज प्रकाश किस संत की आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो ये संत हरिदास जी हैं, इनके आध्यात्मिक विचारों का संकलन है जो मंत्र राज प्रकाश में प्रकाशित किया गया है। और जो संत हरिदास जी हैं इन्होंने गाडा नागौर में निरंजनी संप्रदाय चलाया था, और इन्हीं की दूसरी पुस्तक का नाम है श्री हरि पुरुष जी की वाणी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कायावेली जो ग्रंथ है इसकी रचना दादू दयाल जी ने की थी, और दादू दयाल जी की जो उपदेश हैं वो सरल मिश्रण हिंदी अर्थात सदोकड़ी भाषा में दादू दयाल की वाणी और दादू जी रा दोहा के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो बालिंद जी के गुरु दादू दयाल जी थे, ये ग्राम सेवक 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये भी ग्राम सेवक 2016 में पूछा था प्रश्न। तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना संत लाल गिरी जी ने की थी, और काफ़ी प्रसिद्ध ये भी एक अपने आप में समुदाय है, अलखिया संप्रदाय।
नेक्स्ट है जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो जसनाथ जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी कतियासर बीकानेर में। और जसनाथी संप्रदाय से संबंधित 36 नियम है, विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम है, जसनाथी संप्रदाय में 36 नियम है। कई बार है जो इसमें कन्फ्यूज होता है, तो विश्नोई यानी कि विश और नौ 29 नियम है जो विश्नोई संप्रदाय में जाने जाते हैं, जबकि 36 जसनाथी संप्रदाय में नियम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? खालसा, खाकी, सतनाम और उत्तरादे। तो इनमें से जो सतनाम है वो इनका उप संप्रदाय नहीं है, बाकी खालसा है, खाकी है, उत्तरादे हैं। ये नरेना में संत जैतराम के समय जो दादू पंथ की प्रमुख पांच शाखाएं हैं उनमें जो विभक्त हो गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं। खालसा है, विरक्त हैं, उत्तरादे हैं और खाकी और नागा में दादू पंथ की पांच शाखाएं विभक्त हो गई थी जो नरेना के संत थे जैतराम जी उनके समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो इनकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थित है। करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। और जो चरणदास जी हैं इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिनका जन्म अलवर के डेहरा ग्राम में हुआ था और इनकी प्रधान पीठ और समाधि दिल्ली में है, और ये अपना आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत को मानते हैं। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 2700 प्रश्न है, तो ये भी थोड़ी देर पहले चर्चा की। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा पांच शाखाएं हैं। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? मीरा, जन्म 1498, बिल्कुल सही। दादू दयाल 1544 ईस्वी, ये भी सही है। संत जसनाथ जी 1482, ये भी सही है। संत चरणदास जी ये गलत है, लास्ट इसमें गलत है, संत चरणदास जी का जन्म 1503 में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि सुमेलित करने वाले जितने भी प्रश्न आएंगे वो सबको पहले से सुमेलित करके इस पुस्तक में लिखा गया है। तो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं, उनके प्रमुख पीठ कहाँ पे हैं? तो गुदर संप्रदाय ये दांतरा भीलवाड़ा में है, नवल संप्रदाय जोधपुर में है, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली में है और अलखिया संप्रदाय बीकानेर में है। तो चारों ही जो पहले से सुमेलित करके लिखे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2016 की पटवारी परीक्षा में पूछा था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले से ही किस संत ने जान लिया था? तो मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि जो वन्य जीव प्रेमी है, विष्णु संप्रदाय के जो लोग हैं उनकी स्थापना विष्णु संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी के द्वारा की गई थी, जिनमें उन्होंने 29 नियम दिए थे और प्रमुख इनका उद्देश्य वन्य जीवों और वृक्षों और पर्यावरण प्रेमी संत थे। इन्होंने जंगली जानवरों और वृक्षों की रक्षा करने का प्रमुख संदेश अपने संप्रदाय में दिया था। जाम्बोजी के द्वारा प्रमुख रचित ग्रंथ कौन से आए देख लेते हैं। तो तीन ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए थे, एक तो है जम्ब संहिता, अगला है जाम्ब सागर और विष्णु धर्म प्रकाश। अगला प्रश्न है राजस्थान में तेरा पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो दोस्तों तेरा पंथ आपको बता दें कि जैन धर्म का एक प्रमुख पंथ है ये तेरा पंथ, और इसके प्रवर्तक भिखण जी महाराज रहे हैं। और भिखण जी का जन्म है जो जोधपुर में हुआ था, ये कटालिया जो कि कंटालिया जो वर्तमान में जो पाली जिला है उसके सोजत के पास में गांव है। और भिखण जी ने तेरा पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। और 2008 में प्रश्न पूछा था तेरा पंथ जैन धर्म का एक प्रमुख पंथ है, और इस पंथ की खास बात यह है कि इस पंथ में मुनि और गुरुओं की पूजा की जाती है परंतु मूर्ति पूजा इसमें नहीं होती है। अगला प्रश्न है दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिखा गया है? तो ढूंढाड़ी बोली में इनका लिखा गया है, क्योंकि दादू पंथ की प्रमुख पीठ है वो नरेना जयपुर में स्थित है, और जयपुर में दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, और जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ कहा जाता है। कारण इसका यह कि वहाँ पर प्राचीन समय में एक ढूंढ नदी बहती थी। अगला प्रश्न है राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो
आसान सा प्रश्न है ये। रामसनेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो भीलवाड़ा के शाहपुरा में है, और वहीं पे जो मेला लगता है, उत्सव होता है, फूल डोल का उत्सव, ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संत दरियाव जी का संबंध किस संप्रदाय से है? तो रामसनेही संप्रदाय के से संबंधित हैं ये। इन्होंने रेण शाखा का प्रवर्तन किया था, दरियाव पंथ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके काल में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासन काल में राजस्थान का भ्रमण किया था? तो पृथ्वीराज चौहान, जो तृतीय के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, जिन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किया था, और प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन द्वितीय युद्ध में इसमें गोरी जीत गया था। तो इस समय जो इनके साथ में, मोहम्मद गोरी के साथ में, इनके एक मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, जिनकी दरगाह आपने सुनी होगी जो अजमेर में बनी हुई है, और भारत का मक्का के नाम से इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दादू ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो नारायणा जयपुर में बिताया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे और वहाँ पे रामानंद जी के शिष्य बन गए थे? दोस्तों वो संत हैं टोंक के जो संत हैं धन्ना, वो रामानंद जी के शिष्य बन गए थे बनारस जाके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और दोस्तों संत धन्ना के बारे में जान लेते थोड़ा। संत रामानंद के शिष्य संत धन्ना का जन्म दुवन गांव टोंक में हुआ था, और ये बचपन में ही ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म के संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा धर्म संप्रदाय है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय है, जो हित हरिवंश के नाम से जाना जाता है। जम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो जम्बो जी के द्वारा 29 नियम दिए गए थे, 20 + 9, और 120 शब्दों का जो संग्रह है उनकी किताब है जमसागर, वो इसमें 29 नियम बताए गए थे, और उसका नियम का पालन करने वाले जो समुदाय बना, संप्रदाय बना, वो विष्णु संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, और ये जम्बो जी के अनुयायी कहलाए थे। अगला प्रश्न है, रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो दोस्तों ये भीलवाड़ा में स्थित है, रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ, जहाँ पे फूल डोल महोत्सव का मेला लगता है। 41वां प्रश्न है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख जो धार्मिक स्थल है वो है नाथद्वारा, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, और भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, और भगवान कृष्ण के बाल रूप की यहाँ पे पूजा की जाती है, और इस मंदिर में जो इसका जो मंदिर होता है इसको हवेली कहते हैं, यहाँ पे जो दर्शन होते हैं इनको झांकी की कहा जाता है, और ईश्वर की जो कृपा होती है इसको पुष्टि की जाती है, इसी कारण इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गी संप्रदाय कहा जाता है। और इस संप्रदाय में मंदिरों में प्रचलित जो संगीत होते हैं उनको हवेली संगीत कहा जाता है। नेक्स्ट है, दादू दया पंथ की प्रमुख जो पीठ है, प्रमुख गद्दी है, वो कहाँ स्थित है? तो यह नारायणा जयपुर में स्थित है, जहाँ पे दादू जी की समाधि बनी हुई है, और उन्होंने दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। और दोस्तों यहाँ पे फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक विशाल मेला भी लगता है दादू जी की याद में। अगला प्रश्न है, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो बाड़मेर में स्थित है, तिलवाड़ा बाड़मेर। और अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर प्रश्न, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं, वो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सलेमाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? रिपीट क्वेश्चन है ये। और सलेमाबाद दोस्तों ये निम्बार्क पीठ के लिए, निम्बार्क संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है, और ये रूपनगढ़ नदी के किनारे जो सलेमाबाद है वहाँ पे जो ये बनी हुई है।
और ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में आचार्य परशुराम के द्वारा निंबार्क संप्रदाय की स्थापना इस सलेमाबाद अजमेर में की गई थी। और दोस्तों इस संप्रदाय की खास बात यह है कि इसमें राधा को भगवान श्री कृष्ण की परिणीति यानी कि पत्नी के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री चरणदास जी ने 14 ग्रंथों की रचना की। तो दोस्तों इसमें पूछा था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार मृत्युशैया इसमें ऑप्शन के अनुसार ये नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दादूपंथी है? तो पंथ से संबंधित हैं, ये दादू जी के प्रमुख शिष्य थे जो आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। नेक्स्ट है, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत में हुई थी? तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है वो कतियासर बीकानेर में है, और यहीं से इस कतियासर बीकानेर से ही इस जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी। जसनाथ जी के द्वारा ये संप्रदाय स्थापित किया गया था जिन्होंने 36 नियम दिए थे। और दोस्तों जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य जो फायर डांस है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, और डांस करते समय वो फतेह फतेह की आवाज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ग्रामीण विष्णु संप्रदाय किस लोक देवताओं का अनुयायी है? तो काफ़ी रिपीट क्वेश्चन है, जम्बूजी के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो विष्णु संप्रदाय जम्बूजी से संबंधित हैं और इनके अनुयायी हैं ये। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो थोड़ी देर पहले इसकी भी हमने चर्चा कर ली, टोंक जिले में इनका धन्ना जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है? ये सेकंड ग्रेड 2007 का क्वेश्चन है। तो संत हमीदुद्दीन नागौरी हैं, इनकी जो मजार है वो नागौर जिले में स्थित है। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये लाल लस्सी संप्रदाय की प्रधान पीठ है नगला पीठ, जो कि नगला भरतपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, डूंगर जी व जवार जी बठोट और पाटोटा के रहने वाले कछवा वंशी राजपूत थे, और ये स्थान किस जिले में स्थित है? तो ये जो दोनों स्थान है वो सीकर जिले में स्थित है, जवार जी और डूंगर जी। भक्ति आंदोलन का राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? तो संत दादू हैं वो भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे, और दादू पंथ का जो सत्संग स्थल होता है उसको अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में पशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये लकुलिश ने जो पशुपति संप्रदाय की स्थापना की थी, जो एकलिंग जी का वर्तमान मंदिर है वह भी पशुपति संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है, कबीर पंथी संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो कबीर वाणी जी इनका मुख्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, राम सनेही संप्रदाय की जो सिंहतल शाखा है बीकानेर की, वहाँ के संस्थापक कौन है? तो सिंहतल शाखा के संस्थापक है हरि रामदास जी। अगले प्रश्न है, रेन नागौर की जो रामसनेही संप्रदाय की शाखा है वहाँ के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो संत दरियाव जी हैं वो वहाँ के प्रसिद्ध प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सॉरी उत्तर इसी में दे दिया गया, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर मैंने बता दिया साथ में ही, चिश्ती संप्रदाय से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट है, नाथद्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय को महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है? तो वल्लभाचार्य करेक्ट आंसर है, और वल्लभाचार्य के पुत्र जो थे विठलनाथ, इन्होंने अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्णम शरणम नमः है, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख ये मूल मंत्र है श्री कृष्णम शरणम नमः। तो
करेक्ट आंसर इसका वल्लभ संप्रदाय। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ प्रश्न और हैं। आई हुए का मीडिया पंथ। नेक्स्ट है मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेड़ता नागौर है वो मीराबाई की क्रीड़ा स्थली है। अगला प्रश्न है दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है, तो ये गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है, जहाँ पे फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा का प्रमुख मतलब आराध्य पीर है, ये फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है यहाँ पे गलियाकोट डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस भाग में विष्णुई समुदाय बहुतायत में है, तो ये उत्तर पश्चिम में सबसे ज़्यादा स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है, तो उत्तर था उसमें रामदासी। अगला प्रश्न है किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया था, तो संत रामानंद जी हैं, इन्होंने उत्तरी भारत में इस भक्ति आंदोलन को प्रबल बना दिया था। लास्ट क्वेश्चन आज का कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने सभी दोस्तों के साथ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। लास्ट क्वेश्चन आरटीआर 2012 का क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था वह कौन था, तो ये दादू दयाल थे, इनको अकबर ने फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। और जयपुर के जो कछवा शासक थे सवाई मान सिंह, इन्होंने दादू दयाल जी का परिचय अकबर से करवाया था, और इनकी भेंट फतेहपुर सीकरी के प्रार्थना गृह में हुई थी। कैसा लगा ये वीडियो 70 प्रश्नों की, इसमें हमने चर्चा की। PDF मिलेगी इसकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल श्री राम क्लासेस में, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और नए नए प्रश्नों के साथ जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो ज़रूर कमेंट करें कैसा लगा ये वीडियो, कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं, और कोई प्रश्न गलत लगे आपको तो उसका भी आप कमेंट करके ज़रूर उत्तर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।